नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के 190 देशों में यह रोग पूरी तरह पैर पसार चुका है। लगभग 16,000 लोग इसका ग्रास बन चुके हैं और लगभग 4,00,000 लोग अभी भी इसकी चपेट में हैं, जिनका आंकड़ा घटने की बजाय हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और कई देशों में आवश्यक वस्तुओं में कमी और शेयर बाजार में भारी नुकसान हुआ है। WHO ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि इस वायरस का भविष्य भारत के हाथ में है, यानी भारत के प्रयास दुनिया को इस मुश्किल से बचा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने भी इस रोग के इलाज के लिए कोशिशें तेज कर दी है। वैसे कहा यही जा रहा है कि दुनिया की उम्मीदें भारत के वैज्ञानिकों पर टिकी हुई है, जो इस रोग की दवा खोजने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दक्षिण एशिया में ईरान और चीन के बाद पाकिस्तान सबसे चिंताजनक स्थिति में है। यह देश दुनिया के उन 20 देशों में शामिल हो गया है जहां इस बीमारी का सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मई महीने तक यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ की गिनती पार कर जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इतने कम वक्त में लगभग 2.25 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जिसे सहन कर पाना गरीब पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इससे यहां पर भुखमरी से करीब 20 लाख लोगों की ऐसे में मौत हो सकती है। अगर पाकिस्तान सरकार ने इस वायरस के प्रसार को जल्दी काबू में नहीं किया तो यह आंकड़े और अधिक भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2020 तक पाकिस्तान की 90% से ऊपर की आबादी इस रोग की चपेट में आ सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सिंध में पिछले हफ्ते से ही लॉकडाउन चल रहा है, मगर बलूचिस्तान, गुलाम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद जैसे इलाकों में स्थिति बदस्तूर है, जिसके बाद यह तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की दूरदर्शिता और आर्थिक तंगी के कारण इस मुल्क में बचाव के तरीके, स्वास्थ्य सेवाएं, क्वारंटीन की व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है, जिससे लोगों की जिंदगी जोखिम में आ गई है। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उनके लिए व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां रहकर ठीक ठाक व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। पर बावजूद इसके पाकिस्तान इस वक्त भी उलझा है। पाकिस्तान में पैसे की कमी करने वाले इमरान खान की सेना ने कल बाबर का परीक्षण किया है, जो दूसरी बार भी असफल हो गया, यानी करोड़ों रुपए इस परीक्षण पर फूंक दिए गए, मगर अपने अवाम के लिए पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है। पीओके में बने लॉन्चिंग पैड पर जमूरों की गतिविधियां फिर से तेजी से बढ़ रही है और दुनिया में आपदा के वक्त भी पाक सेना भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने में जुटी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने पाक को जिस $10 लाख की मदद का ऐलान किया था, वह अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली है। ट्रंप पाक सेना द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण से गुस्से में है, यानी जब दुनिया इस रोग की दवा की खोज में जुटी हुई है, रेडिकल पाकिस्तान मिसाइल परीक्षणों में लगा हुआ है। कहा जा रहा है अमेरिका मदद के पुराने आश्वासन पर नए सिरे से विचार कर रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत का पूरी दुनिया में गलत संदेश गया है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसका साफ मतलब है कि यह आतंकी मुल्ला मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। भारत ने अपनी चिंताओं से इन संस्थाओं और अमेरिका को अवगत करा दिया है। भारत ने कहा है कि बीमारी के नाम पर मिलने वाली मदद को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इसे या तो नहीं दिया जाना चाहिए या फिर इस पर कड़ी निगाह बनाए रखने की जरूरत है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति फिर से खराब दौर की तरफ बढ़ रही है। जुलाई 2019 में चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर से मिली मदद के बाद उसके खजाने में $9.5 अरब हो गए थे, जो अब घटकर $7.5 अरब रह गए हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में प्राप्त राजस्व कर चुकाने और तनख्वाह देने में चला जाता है, इसलिए पाकिस्तान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दूसरे देशों की मदद पर निर्भर है, जो कि अब उसे नहीं मिल पा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी चीन का दूसरा बनने की ओर बढ़ चुका है। यहां कितने ऊपर पहुंचेंगे और कितने सही सलामत बचेंगे, इसको लेकर केवल इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तानी अवाम भी घबराहट में है। पर यह वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि हुरों के पास जाने का है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।